बुज़ुर्ग दंपत्ति इस घर में रहता है और रात को ही गनीमत रही कि बाल बाल बच गया और एकदम से ये पूरी छत धड़ाम से नीचे गिर जाती है जाकर कह निकलिया था जी इन्हें गले गले, गले डी दम देशी एकदम सिलेंडर था चूल्हा नमस्कार आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं मैं हूं अजय मैं इस वक्त कैथल के कैलरम के गांव में मौजूद हूं और ये कैलरम गांव की आल पत्ती है और कल रात एक ऐसी घटना होती है कि एक बुजुर्ग दंपत्ति इस घर में रहता है और रात को ही गनीमत रही कि बाल बाल बच गया और ये मकान ऊपर से ढह गया इसकी छत आप देख सकते हैं कड़िया निकली पड़ी है और रात को ही एकदम से जो बीच में सतीर होता है पूरी की पूरी छत को जो सपोर्ट करता है वो सतीर टूट जाता है ये सतीर रहा और एकदम से ये पूरी छत धड़ाम से नीचे गिर जाती है और पूरा का पूरा ये कमरा मलबे में तब्दील हो जाता है और जो पूरा सामान है वो इस मलबे के नीचे दब जाता है इस परिवार में जो है दो बुज़ुर्ग दंपत्ति रहते हैं और आप देखिए कितना भयानक ये मंज़र रहा होगा कि एकदम से गिर जाता है और गनीमत है कि दोनों बुज़ुर्ग दंपति बाजू वाले कमरे में थे और एकदम से ये घटना हुई अब जिंदगी भर की कमाई इंसान लगा देता है घर बनाने में मगर जब धड़ाम से ये चीज़ें हो जाती हैं तो उस परिवार पर क्या गुज़रती है ये मंज़र आपको दिख जाएगा ये मंज़र ये तस्वीरें आप सीधे इस एकदम से धड़ाम से घिरे मकान के देख रहे हैं और बुजुर्ग दंपत्ति से भी आपको मिलवा देते हैं बाहर चलते हैं राम राम जी कब की घटना है जी रात की अच्छा रात को मतलब किस तरह की घटना हुई यार टूट का एकदम हम्म डी अच्छा नुकसान कितना कुछ है नुकसान सारे सामान भी मैं था बस ये सारे सामान थे जिनसे खान पीन के सारे इसका मैं थे अच्छा। कुर्सी सिलेंडर गया सारी दब गई थी कैथल प्रशासन तक कुछ अपील करोगे हाँ अपील करांगे भाई इसका मुद्दा भी देना चाहिए नूँ। नूँ। दादी के कहोगे कुकरो या घटना न्यू ही बेटा एकदम संतेरी टूट गया एकदम डह पड़ी हाँ मैं मरे से बाहर लिकट गए ले बच गए अच्छा और सारा सामान इसका माइक दब गया

आपने देखा कि कितना ये मंजर रहा होगा जब थोड़े समय पहले ही चाय बना के वैसे ये रसोई है और यहाँ से चाय बनाकर बुजुर्ग दंपत्ति निकला था और उसके जस्ट बाद ये धड़ाम से ये छत गिरती है तो, तो ये तस्वीर ये आ, उस सतीर की तस्वीरें हैं जो पूरे के पूरे इस छत को आ, मजबूती से जोड़े हुए था पूरी छत इसके ऊपर थी लेकिन ये दीमक ने खाया हुआ बताया जा रहा है और जैसे ही ये टूटा पूरी की पूरी छत धड़ाम से नीचे आ गरी गनीमत रही कि उस दौरान कोई यहाँ मौजूद नहीं था और जान की हानि होने से बच गई लेकिन जो है सामान का नुकसान जरूर है और जिला प्रशासन इनके सामान की भरपाई अगर चाहे तो कर सकता है क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी मकान को बनाने में लगा देता है लेकिन कोई एक ऐसी प्राकृतिक घटना एक परिवार को कहिए या अपनी ज़िंदगी भर की कमाई को धड़ाम से मिट्टी में मिला देती है तो जिला प्रशासन से भी निवेदन है कि इस इन बुजुर्ग दंपत्तियों को कुछ आर्थिक सहयोग दिया जाए ताकि ये दोबारा से एक मकान को खड़ा कर पाएँ और ठीक से अपनी जीविका का निर्वहन कर पाएँ फ़िलहाल कैमरा सहयोगी अजय के साथ मैं अजय कुमार कैथल बैग न्यूज़ कैलरम